क्या आपको पता है बिस्कुट में छेद क्यों होते हैं और अमेज़न कंपनी का जो लोगो होता है उसमें ए से लेकर जेड के नीचे एरो क्यों होता है और वोमिट मतलब कि जब हमें उल्टी आती है तो उस समय हमारे मुंह में लार क्यों आती है। तो इन सभी फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 7 दोस्तों, WDMMA यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स दुनिया की तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बन चुकी है और इस लिस्ट में हमने कई पावरफुल देश जैसे कि फ्रांस और इसराइल को पीछे छोड़ दिया है और इस लिस्ट में पहले नंबर पर है अमेरिका और सेकंड नंबर पर है रशिया। नंबर 6 दोस्तों, हमारे जीवन के लिए पेड़ पौधों का बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में से टॉक्सिक गैसेस को रिमूव करते हैं। तो इसी पर क्या आपको पता है हमारे प्लेनेट अर्थ पे मौजूद सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों उस पेड़ का नाम है यूकेरिट ट्री और ये 135 फीट डायमीटर में फैला हुआ है और ये कोलंबिया के सेंट मार्कोस में मौजूद है। नंबर 5 दोस्तों, जो ये कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है उसमें ये होल किसके लिए होता है? आपको लगता होगा कि ये ग्रिप के लिए होता है ताकि हम आसानी से कैन को खोल पाए, पर नहीं, दरअसल ये होल सिर्फ और सिर्फ ट्रो को होल्ड करने के लिए होता है ताकि कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त ट्रो इधर उधर ना हिले। नंबर 4 क्या आपको पता है आपके ईयरफोन जैक पर रिंग क्यों होते हैं? अक्सर आपने ईयरफोन में देखा होगा कि ऐसे दो रिंग बने होते हैं और किसी किसी पे तो तीन भी बने होते हैं। तो ये दो रिंग इसलिए होते हैं कि जब आपका ईयरफोन का लंबा वायर जैक की तरफ आता है तो ये दो हिस्सों में बट जाता है, एक लेफ्ट कान के लिए और एक राइट कान के लिए। तो ये दो रिंग उसी के लिए होते हैं और जब किसी किसी में तीन दिए होते हैं तो वो तीसरा माइक्रोफोन के लिए होता है। नंबर 3 दोस्तों, जो अमेज़न कंपनी का लोगो होता है तो उस लोगो में ए और जेड के नीचे एरो बना होता है, तो यह एरो ये डिपिक्ट करता है कि यहाँ पर ए टू जेड हर एक तरह का सामान मिलता है। नंबर 2 दोस्तों, आप में से वोमिट मतलब कि उल्टी हर एक इंसान को आई होगी कभी ना कभी, तो आपने फील किया होगा कि वोमिट के समय हमारे मुंह के अंदर सलाइवा बहुत ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पेट में फूड होता है वो एसिडिक होता है और जब वो वोमिट के फॉर्म में मुंह से बाहर निकलता है तो वो हमारे टीथ को डैमेज कर सकता है, तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है और ये हमारे टीथ के आसपास प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ताकि वोमिट के समय हमारे टीथ डैमेज ना हो। और अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। तो दोस्तों जब हम बिस्कुट खाते हैं तब आपने नोटिस किया होगा कि कहीं बिस्कुट होते हैं जिनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो आपके मन में आता होगा क्या ये सिर्फ डिजाइन के लिए होते हैं या फिर इनके पीछे भी कुछ पर्पस होता है? तो ये होल्स इसलिए होते हैं ताकि जब बिस्कुट बेक होता है तब जो हीट रिलीज होती है तो उस हीट से बिस्कुट की शेप इधर उधर ना हो जाए या बिस्कुट फट ना जाए, इसके लिए उसके बीच में होल्स किए जाते हैं ताकि हीट अच्छे से निकल पाए और बिस्कुट क्रिस्पी बन पाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपना फेवरेट पार्ट बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।